तो दोस्तों हम इस वीडियो में एक ऐसे समुद्र के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें तैरने पर कोई भी व्यक्ति नहीं डूबता। जी हाँ दोस्तों दुनिया में एक ऐसा सागर भी है जिसमें खूब सारा पानी होने के बावजूद भी इंसान डूबता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसका पानी गहरा नहीं है, ये खूब गहरा भी है और इसमें बहुत सारा पानी भी है, फिर भी इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। इस सागर को मृत नाम से जाना जाता है। मृत सागर के नाम से फेमस दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहे जाने वाला सागर है। यह समुद्र तल से 440 मीटर नीचे है। यह 64 किलोमीटर लंबा और 18 किलोमीटर चौड़ा है। मृत सागर इसराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसे अरबी झील भी कहा जाता है। इस सागर में जॉर्डन नदी और अन्य छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। समुद्र के बीच पर कई पिकनिक स्पॉट और होटल भी बने हुए हैं। अपनी खूबियों और खूबसूरती के चलते यह आकर्षक पर्यटन केंद्र है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें इंसान डूबता नहीं, लेकिन इसमें कोई जलीय जीव बचता भी नहीं है। मृत सागर के बारे में अब तक आपने जितना सुना उसे सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसमें इंसान आकर डूबते क्यों नहीं है। मृत सागर असल में एक खारे पानी का सागर है। आम पानी की तुलना में इसके पानी में 20 गुना ज्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज्यादा मैग्नीशियम, 10 गुना ज्यादा आयोडीन है। इस वजह से ये पानी काफी ज्यादा खारा है। पानी के ज्यादा खारे होने के कारण इसका घनत्व भी काफी ज्यादा है, जिस वजह से इसमें तैराकी करने वाला व्यक्ति डूबता नहीं है, बल्कि सतह पर ही तैरता रहता है। इसका पानी पीने लायक नहीं है और ना ही इसमें जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका पानी काफी लाभदायक है। यहाँ आने वाले सैलानी इस समुद्र में तैराकी का लुत्फ उठाते हैं, साथ ही इसके कीचड़ को अपने शरीर पर भी लगाते हैं। इस सागर का कीचड़ त्वचा संबंधित कई बीमारियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। कई सारे लाइलाज रोगों का इलाज इसके पानी से किया जाता है, क्योंकि इसमें काफी सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर इसका मृत सागर नाम ही क्यों पड़ा और कुछ भी रखा जा सकता था। असल में इसके नामकरण इसकी विशेषता के तौर पर रखा गया। एक समुद्र में कई जलीय जीवों का जीवन होता है तो उनका संसार होता है, लेकिन मृत सागर में लवणता अधिक होने के कारण मछली या अन्य जलीय जीव जीवित नहीं रह सकते। गलती से भी यदि कोई जीव मृत सागर में आ जाता है तो वो मर जाता है। इसकी लवणता के चलते यहाँ जलीय पौधे भी नहीं पनप पाते। पौधों के नाम पर यहाँ केवल कुछ बैक्टीरिया और शैवाल ही मिलते हैं। यही कारण है कि इसका नाम मृत सागर रखा गया है। मृत सागर धरती पर एक अजूबा है, क्योंकि जितना खारा मृत सागर का पानी है उतना खारा किसी भी समुद्र का पानी नहीं है। इसका पानी 33% से भी ज्यादा खारी है और भारी है, जिस वजह से यहाँ कोई डूबता नहीं है और कोई जलीय जीव बचता नहीं है। तो दोस्तों, मृत सागर के बारे में क्या आपको पहले से जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो कमेंट करके बताएं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।